तो हेलो दोस्तों, एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्लेइंग 11 की फंस रही है बात। ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक, सब्बा करीम ने बताया किसे मिलेगा मौका। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान से हार के बाद टीम इंडिया एक बार फिर इस टीम से भिड़ने के लिए तैयार है। इस बार दोनों टीमें एशिया कप में एक दूसरे से भिड़ती दिखाई देंगी। भारत के लिए यहां उसके उपकप्तान केएल राहुल वापसी के लिए तैयार हैं, जो हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर अपनी कप्तानी में वनडे सीरीज 3-0 कर लौटे हैं। प्रोमिस भारतीय टीम को 2 विकेट कीपरों में से किसी एक को बाहर बिठाना होगा, लेकिन भारतीय सिलेक्शन कमेटी के पूर्व सदस्य सब्बा करीम ने इस पर अपनी राय रखी है। सब्बा ने कहा कि टीम इंडिया यहां दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को मौका देना पसंद करेगी। दरअसल हाल ही में ये दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज टीम इंडिया में एक साथ खेले हैं, क्योंकि विराट कोहली और केएल राहुल अलग अलग कारणों से भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब जब दोनों की वापसी हो गई है, तो इसका मतलब कि विकेट कीपर के लिए केवल एक बल्लेबाजी स्लॉट बचता है, जिसमें पंत और कार्तिक में से एक को ही मौका मिल सकता है। मैं ऋषभ पंत के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि वह भारत के लिए एक ऐसे एक्स फैक्टर हैं जो एशिया कप में भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको भी अपनी राय बतानी है कि इस मैच में दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से किसको टीम में लेना चाहिए, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।